हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेंस रिया। ठीक है, अभी पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने एक्टिस रिया के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताया था। अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे रिगार्डिंग द मेंस रिया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा वापस एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ जो पिछले लेक्चर में मैंने दिया था। वो ये था कि किसी भी देर आर बेसिकली टू कंपोनेंट्स ऑफ एवरी क्राइम। किसी भी क्राइम को करने के लिए दो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? वन इज योर फिजिकल एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज योर मेंटल एलिमेंट। अब देखो, फिजिकल एलिमेंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टेस रिया। एक्टेस रिया के बारे में अगर जानना चाहते हो तो मेरा पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और अब सेकेंड एलिमेंट जो होता है टू कॉन्स्टिट्यूट क्राइम इज योर मेंस रिया। मेंस रिया इज वॉट योर गिल्टी माइंड। सो मोस्टली इन ईच एंड एवरी केस टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम दीज टू कंपोनेंट्स दैट इज एक्टस रिया एंड मेंस रिया आर वेरी मच एसेंशियल। दैट इज कि किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दीज टू कंपोनेंट्स हैव टू बी प्रेजेंट देयर। बट देर आर स्टिल फ्यू एक्सेप्शंस जहाँ पे समटाइम्स एक्टस रिया होने की जरूरत नहीं है और समटाइम्स मेंस रिया होने की जरूरत नहीं है, बट देन ऑल्सो द पर्सन इज हेल्ड लाइबल। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं मेंस रिया के ऊपर। सो मेंस रिया में अब आप लोग देखेंगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग अब ये टॉपिक मेंस रिया। व्हाट इज मेंस रिया एंड इट्स एलिमेंट्स। सबसे पहली चीज जो हम जानेंगे कि मेंस रिया क्या होता है और इसके एलिमेंट्स क्या है। सबसे पहले देखो, मेंस रिया जो है इट इज अ लैटिन फ्रेज, जस्ट लाइक एक्टस रिया वो भी क्या थी? लैटिन फ्रेज। और अब मेंस रिया की हम बात कर रहे हैं, मेंस रिया इज ऑल्सो लैटिन फ्रेज जिसका मीनिंग क्या होता है? गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड। सो ऑलवेज रिमेंबर, मेंस रिया रेफर्स टू वॉट? गिल्टी माइंड। वेयर एज एक्टस रिया जो था वो किसको रेफर करता था? गिल्टी एक्ट। ठीक है, तो ये चीज। अब दिस इज द मेंटल एलिमेंट ऑफ द क्राइम और द मेंटल एलिमेंट ऑफ अ पर्सन इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम और नॉलेज दैट वंस एक्शन और लैक ऑफ एक्शन वुड कॉज अ क्राइम टू बी कमिटेड। इट इज द नेसेसरी एलिमेंट ऑफ मेनी क्राइम्स। मतलब देखो, इट इज द नॉलेज, ये गिल्टी सोच, ये ऐसी सोच है जो कि बंदे को पता होती है कि अगर वो ये चीज करेगा तो उसका खामियाजा ये उसे भुगतना पड़ेगा। अगर वो ये चीज नहीं करेगा तब भी उसका ये एक्शन, समटाइम्स हो सकता है कि वो कुछ ऐसा ब्लंडर ले आए कि उसका भी खामियाजा उसे भुगतना पड़े। समटाइम्स वही चीज अब मैं बात करूंगा, जैसे कंसेप्ट ऑफ क्राइम में मैंने आपको बताया था कमीशन एंड ओमिशन। फिर से आप लोग जान लो, कमीशन कई बार आपके जो एक्ट होते हैं जो आप करते हो, कमिट जो आपने किया है उसकी वजह से आपको सजा दी जाएगी। जैसे आपने किसी को स्टैब कर दिया, चाकू दे दिया उसके अंदर, ठीक है, पेट में, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो बंदा मर जाएगा। तो अब क्या होगा कि वो जो एक्शन आपने किया उसके लिए आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। वेयर है समटाइम्स जो आपने एक्ट नहीं किया, जो आपने एक्शन नहीं किया, बट दैट वॉज योर ड्यूटी कि आपको वो चीज करनी चाहिए थी, बट स्टिल आपने नहीं की, तो आपको उसके लिए भी पनिशमेंट मिल सकती है। वही वाली एग्जाम्पल दूंगा, सिंपल सी नर्स वाली, कि नर्स की एक ड्यूटी थी एक पेशेंट को दवाई देने की, टाइमली उसने नहीं दी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। सो वॉट शी डिड, शी ओमिटेड हर ड्यूटी जो उसे करनी चाहिए थी, बट हर एक्शन जो उसे नहीं किया उसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ? डेथ ऑफ अ पेशेंट। देन ऑल्सो शी विल बी हेड लाइबल एंड पुट बिहाइंड द बार्स। ठीक है, अब देखो मेंस रिया में एक फ्रेज आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है, एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंसिट रिया। इट इज अ वेरी फेमस इंग्लिश मैक्सियम, ठीक है, ऑफ क्रिमिनल लॉ। इसका क्या मतलब होता है? एक्ट विदाउट अ गिल्टी माइंड इज नो क्राइम। मतलब कोई भी हम उस चीज को क्राइम नहीं बोल सकते जिधर आपकी इंटेंशंस जो हैं वो खराब हो। अगर आपकी इंटेंशन साफ सुथरी हैं तो आप वो चीज कभी गलत करोगे ही नहीं, बट स्टिल देर आर फ्यू एक्सेप्शंस जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। मेंसरिया मीन्स इल इंटेंशन। इन एवरी स्टैट्यूटरी ऑफेंस मेंसरिया इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द रॉन्ग डूअर डिड द ऑफेंस विद द इल इंटेंशन। मतलब हमेशा माना जाता है कि जिसने भी अगर ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, तो वो एक गंदी सोच से किया है, नुकसान पहुंचाने की सोच थी उसकी, तभी उसने ये चीज की है। दैट इज व्हाई द पीपल आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड एंड पुट बिहाइंड द बार्स बिकॉज ऑफ देयर
गिल्टी माइंड, गिल्टी सोच, जो उनकी गंदी सोच थी जिसकी वजह से उन्होंने जो एक्शन उन्होंने किए, जो उन्होंने एक्ट किए, तो उसकी वजह से उन सबको हवालात में, जेल में ठोका गया हुआ है। ठीक है। द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द इल इंटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड टू प्रूव द ऑफेंस कमिटेड। मतलब जो प्रोसिक्यूशन होता है, एक कोर्ट में आप देखते हैं प्रोसिक्यूशन साइड होती है, डिफेंस साइड होती है। प्रोसिक्यूशन का काम है प्रूव करना कि भाई जिसने ये एक्ट किया है, जो डिफेंस वाला है, जो जिसके ऊपर ये चार्ज लगे हैं, ठीक है, उस बंदे ने, उसकी इंटेंशंस जो थी वो खराब थी, उसने तभी ये एक्ट किया है। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका आता है, व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ मेंस रिया। अब देखो मॉडल पेनल कोड क्या कहता है, रिकॉग्नाइज करता है फोर लेवल्स ऑफ मेंस रिया। अब वो कौन कौन से हैं? पर्पस, जो कि सेम एज इंटेंशन, दूसरा नॉलेज, तीसरा रेकलेसनेस और चौथा नेग्लिजेंस। ये अभी हम चारों एक साथ अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो मेंस रिया टेक्स अ डिफरेंट कलर इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। मतलब हर एक क्राइम की एक डिफरेंट सोच होती है, डिफरेंट उनकी हर एक की अपनी स्टोरीज। अगर मैं बोलूँ आपको, अगर कोई ईव टीजिंग कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, तो इन सब की सोच जो है वो अलग है। हर एक का डिफरेंट ऑफेंस भी अलग अलग है। तो इसीलिए कहते हैं मेंस रिया जो है वो हर बार अपना रंग बदलता है, हर एक सराउंडिंग्स में, हर एक ऑफेंस के साथ उसकी अपनी एक अलग स्टोरी है, हर एक के साथ, हर एक लेवल पे हम देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें गिल्टी माइंड्स वहां पे दिखेंगे, गिल्टी सोच दिखेंगी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मेंस रिया इट इज नेसेसरी टू हैव क्लियर कंसेप्शन ऑफ वर्ड्स लाइक इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज, रेकलेसनेस एंड नेग्लिजेंस। अब देखो हम इन चारों वर्ड्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंटेंशन, इट मीन्स अ पर्पस, अ डिजायर टू ब्रिंग अबाउट अ कंटेम्पलेटेड रिजल्ट। मतलब ऐसी आपकी सोच, ऐसी आपकी डिजायर होगी जो कि आपको एक ऐसा रिजल्ट लाके देगी जो कि आप चाहते हो, बट वो थ्रू इलीगल मीन्स, ना कि विद लीगल वे से, आप इलीगल तरीके से जो लेके आ रहे हो तभी आपकी सोच गलत है। ठीक है। दूसरा मोटिव, द मोटिव इज द ऑब्जेक्ट विच द पर्सन हैड इन व्यू, नेमली द सेटिस्फेक्शन ऑफ सम सच डिजायर एज रिवेंज, हेट्रेड एंड द लाइक। मोटिव इज नॉट अ बेसिस फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी। मोटिव जो है वो डेट कैन नॉट बी अ बेस फॉर द क्रिमिनल लाइबिलिटी। बट अब ये देखना, ये वाली लाइन, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से समझना। क्रिमिनल लॉ टेकन इन टू अबाउट ओनली अ मैन्स इंटेंशन एंड नॉट हिज मोटिव। क्रिमिनल लॉ क्या कहता है कि भाई वो इंटेंशन देखता है बंदे की, ठीक है, कि भाई इंटेंट जो उसने एक्शन किया है वो अगर लाइबल है, वो उसका एक्ट जो है वो गलत है, देन ही इज लाइबल। अब उसके पीछे मोटिव क्या था वो मायने नहीं रखता। अगर चोरी की है तो की है, आपको सजा मिलेगी, लेकिन क्यों की है, आपकी इंटेंशन क्या थी वो चोरी करने की, वो मायने नहीं रखेगी। ठीक है, सजा तो आपको मिलेगी अब क्योंकि आपने चोरी कर दी। अब जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक बंदा है, उसने चोरी की खाने की इन ऑर्डर टू फीड हिज स्टार्विंग सन। मतलब कि वो अपने भूखे बेटे को बचाने के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए वो क्या करता है, दुकान से खाना चोरी करता है और अपने बेटे को खिलाता है। ठीक है, तो वो पकड़ा जाता है। अब जज क्या करेगा, उसको सजा देगा या रिवॉर्ड देगा कि उसने एक तरफ जान बचाई है एक भूखे मरते हुए बच्चे की, या उसने चोरी की है, सजा मिलेगी? ऑब्वियसली उसको सजा मिलेगी क्योंकि यहाँ पे उसकी इंटेंट देखी गई, उसका एक्शन देखा गया कि उसने क्या किया, गलत काम से उसने अपने बच्चे के लिए खाना चुरा के वो लेके गया, लेकिन वो बाप था, मजबूरी थी। ठीक है, लेकिन उसके गलत एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, जज ये कर सकते हैं कि उसकी सजा लिबरल होके कम कर दे, ये कर दे, तो ये चीज हो सकती है। सो ये कंसेप्ट अब क्लियर हुआ कि देखो क्रिमिनल लॉ जो है वो क्या लेता है, सिर्फ और सिर्फ इंटेंट देखता है, इंटेंशन देखता है जो एक्ट आपने किया है, ना कि उसका मोटिव। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है नॉलेज। नॉलेज इज द अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्ट। अ मैन मे बी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, दो ही मे नॉट अटेंड टू ब्रिंग देम अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, द सर्जन हु परफॉर्म्स द ऑपरेशन वुड नॉट बी पनिशेबल, वुड नॉट बी पनिश्ड फॉर मर्डर इफ द पेशेंट डाइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन। द डेथ वॉज नॉट इंटेंशनल, दो इट वॉज नोन डैट द ऑपरेशन वॉज फुल ऑफ रिस्क। मतलब देखो नॉलेज होती है, कई बार हॉस्पिटल कई बार लेके चले जाते हैं हम पेशेंट्स को लेके, तो सर्जरीज वगैरह परफॉर्म करनी पड़ती है, बट कई बार ऐसी होती है कि बहुत ही रिस्कफुल सर्जरीज होती है।
सो डॉक्टर कहता है कि सर आपके जो आप पेशेंट लेके आए हो इसको अभी ये सर्जरी की नीड है अगर आप इसे बचाना चाहते हो, बट दिस सर्जरी इज रियली वेरी रिस्कफुल, सो देर आर 10% चांसेस कि बच जाए, बट 90% जो है वो रिस्क है, बट स्टिल यू गिव द एसेंट साइन ऑन द एसेंट फॉर्म एंड यू से कि ओके फाइन गो हेड आप कर दीजिए, बट अगर बाई चांस गॉड फॉरबिड अगर पेशेंट की ओटी में ऑपरेशन थिएटर में ऑन द टेबल अगर डेथ हो जाती है तो आप डॉक्टर को हेल्ड नहीं लाइबल, डॉक्टर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर मर्डर, कि आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर ने मर्डर कर दिया, डॉक्टर ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू सेव दैट पेशेंट बट नहीं उसकी कंडीशन थी, नहीं बचा पाए, तो डेट इज वाई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका वो आता है रेकलेसनेस। इट इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन हु फॉरसीज द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट बट एक्ट विदाउट एनी इंटेंशन और डिजायर टू ब्रिंग देम अबाउट। रेकलेस पर्सन इज दैट हु डज नॉट केयर वॉट हैपन्स, मतलब कई बार वो कई बंदे होते हैं जो गाड़ी इतनी फुल स्पीड में चलाते हैं उन्हें परवाह ही नहीं होती कि हाँ भाई कोई सामने आ जाएगा, या फुल मार्केट से निकाल रहे हैं, क्राउडेड एरिया से निकाल रहे हैं, कहते हैं यार भाड़ में जाए कोई अगर आ जाएगा देख लेंगे, उन्हें परवाह ही नहीं है, बिंदास तरीके से निकाले जा रहे हैं फुल स्पीड में, अगर कोई आगे एक्सीडेंट हो जाता है देन दे विल बी हेड लाइबल। ठीक है, और ऐसे जो बंदे होते हैं इनको क्या बोला जाता है, रेकलेस, उन्हें परवाह ही नहीं, बेखौफ लोग। ठीक है, दे कंसिडर द पेडेस्ट्रियंस एज इफ कि मतलब इनकी कोई औकात ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, गाड़ी वालों की औकात है, दैट्स इट। सो ऐसी सोच रखने वालों को हम लोग बोलते हैं रेकलेस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस इज द लॉ ऑफ क्राइम्स, अनलाइक इन द केस ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इट इज नॉट द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी इन जनरल। ये वाला पॉइंट जो है ये मैं आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लेक्चर में क्लियर करूंगा। अब इसको ये वैसे समझ लो, नेग्लिजेंस इज यूज टू डिनोट वॉन्ट ऑफ केयर एंड प्रिकॉशंस विच अ रीजनेबल मैन वुड हैव टेकन अंडर अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। मतलब कि देखो जैसे कि एक नॉर्मल बंदा है, उसे पता है कि यार अगर मैं स्पीड में चलाऊंगा तो कल को आगे जाके इस क्राउडेड एरिया में गाड़ी जो है स्लो ही चलानी है, यहाँ पे अगर स्पीड में चलाऊंगा जरूर किसी ना किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए बंदा क्या करता है, वो स्लो ड्राइव करता है। सो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, और अगर वो नहीं करता तो उसने क्या किया, नेग्लिजेंस किया है। ठीक है, ये चीज इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज योर आर वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस प्रिंस केस में क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ इसकी स्टोरी। एक मिस्टर प्रिंस थे और एक लड़की थी मिस एनी, दोनों में हो गया प्यार इश्क मोहब्बत .com। ठीक है, दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में फिदा होने के लिए कस्मे वादे कर बैठे, हम जानू मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, वो कहती मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, इतनी इश्क मोहब्बत हो गई दोनों में, दोनों ने कहा कि ठीक है हम दोनों एक काम करते हैं हम शादी कर लेते हैं। अब घर वाले मानेंगे नहीं तो लड़की ने बोला ठीक है हम एक काम करते हैं हम भाग के कर लेते हैं, लड़के ने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं हम भाग के शादी करते हैं। लड़के ने क्या किया, लड़की को बोला जानू चलो ठीक है मैं तुम्हें भगा लेता हूँ, भाग लिए। अब लड़की के माँ बाप ने कंप्लेंट लगा दी पुलिस में कि भैया ये हमारी माइनर बेटी है ये इसको भगा के लेके गया। अब पुलिस ने जांच की पड़ताल की तो वहां पे लड़के को पकड़ा, दोनों को पकड़ा लेके आए, लड़की को दे दिया माँ बाप की कस्टडी में, बोला ले जी अपनी बेटी को। लड़के को बोला भाई तू इनकी माइनर बेटी को लेके गया। लड़के ने बोला साहब मेरे को तो पता ही नहीं ये माइनर है, ये तो मुझे बोली कि 18 साल से ऊपर की है। लेकिन पुलिस वाले ने बोला नहीं भाई ये तो 16 साल से कम उम्र की है, इसकी तो है ही नहीं। कहता नहीं आप लड़की से पूछो इसने मुझे बोला था। लड़की कहती हाँ मैंने बोला था कि मैं 18 से ऊपर की हूँ, तो अब बताओ क्या इसमें ये बच सकता है। लेकिन इसमें देखो इसमें जजमेंट क्या आती है, जजमेंट आती है ब्राउन जे जो है वो जजमेंट क्या देते हैं, वो कहते हैं कि ये डिफेंस हम नहीं ले सकते कि तुम्हें लड़की ने बोला कि भाई वो 18 साल से ऊपर की है, वो चीज़ वो माइनर है वो कुछ भी बोल सकती, बच्चा कुछ भी बोल सकता है, बच्चे की बात पर हम विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो लेकिन आपने उसको उसकी लॉफुल कस्टडी जो पेरेंट्स की और गार्डियंस की थी वहां से आप लेके गए, दैट वॉज द ऑफेंस यू हैव कमिटेड, तो इसीलिए आपको अंडर सेक्शन 55 ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट 1861 उसके तहत हम आपको लाइबल ठहराते हैं। और चलिए अब आप जेल में जाइए और हवालात में अपनी सजा पूरी कीजिए। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो मिस्टर प्रिंस थे इनका प्यार से मोहब्बत से विश्वास टूट गया, इन्होंने बोला ये कमबख्त इसने मेरे को हवालात में पहुंचा दिया, मैंने तो इसे विश्वास किया था और ये 16 साल से भी कम उम्र की निकली, अब इसके चक्कर में मेरे को जेल जाना पड़ रहा है, वहां पे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, तो बस हो गया उसका बेड़ा गर्क। इसलिए प्यारिश मोहब्बत में कुछ नहीं रखा, जो रखा हुआ है वो पढ़ाई में रखा है। और इसी केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है, और वो प्रिंसिपल क्या है कि देखो हूसोएवर शैल
ये whosoever shall unlawful take any unmarried girl being under the age of 16 years out of the possession and against the will of her father or mother shall be guilty of kidnapping. So मिस्टर प्रिंस जो थे उनको किडनैपिंग के ऑफेंस में अंदर जेल में ठोक दिया गया, और यही प्रिंसिपल लेट डाउन भी किया गया, अगर आप किसी माइनर को उसके लॉफुल पेरेंट की गार्डियनशिप से लेके जाते हो तो यू विल बी हेल्ड लाइबल अंडर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग वेदर योर इंटेंशन वॉज गुड और बैड। अब देखो उस बंदे ने तो विश्वास किया था उस पर, ठीक है, लेकिन बंदी धोखेबाज निकली, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बंदे को फिर हवालात में, समझ जाओ, ठीक है। तो अब ये जो इसमें क्या हुआ, इसी केस में यहाँ पे इंडियन कोर्ट्स में ये जो डॉक्ट्राइन है मेंसरिया की, इसे दो तरीके से अप्लाई किया जाता है। अब वो कौन से दो तरीके हैं, सबसे पहले कि कोई भी ऑफेंस, एक्चुअल इंटेंट रिक्वायर्ड फॉर द ऑफेंस वॉज यूज इन डिफाइनिंग द ऑफेंस, मतलब क्रिमिनल इंटेंशन जो है आपकी, मतलब गिल्टी माइंड जो है वो आपका देखा जाता है ऑफेंसेस को भी डिफाइन करने के लिए, और दूसरा आपका एक्सप्रेशन जो है फ्रॉडेंटली डिसऑनेस्टली वॉलेंटरली इंटेंशनली एक्सेट्रा आर यूज्ड इन द डेफिनेशन टू इंडिकेट द क्रिमिनल इंटेंट। अब ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनको यूज किया जाता है किस चीज के लिए, इन द डेफिनेशन ऑफ योर डिफाइनिंग व्हाट योर क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है, क्लियर। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको जानने के लिए जानने चाहिए, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चंस जो कि दो दो मिनट के हैं, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टस रिया एंड मेंस रिया, एक्टस रिया क्या है, इलीगल एक्ट, ठीक है, गिल्टी एक्ट, और मेंस रिया क्या है, गिल्टी माइंड, ठीक है, गलत सोच, ठीक है। सो एक्टस रिया डिस्क्राइब्स द एसेंशियल फिजिकल एक्ट फॉर द क्राइम टू हैव बीन कमिटेड, वेयर एज मेंस रिया डिस्क्राइब्स द एसेंशियल मेंटल रिक्वायरमेंट, क्लियर। अब व्हाट कम्स फर्स्ट, एक्टस रिया और मेंस रिया, दोनों में से पहले कौन आएगा, एक्टस रिया या मेंस रिया? भैया इस सवाल का जवाब है दोनों एक साथ ही आएंगे, ठीक है, जहां पे गिल्टी माइंड होगा वहां पे एक्शन गलत ही होगा, सो दे कम्स एट द सेम टाइम, ठीक है। एक्टस रिया इज द रॉन्गफुल डीड दैट कंप्राइजेस द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ क्राइम दैट मस्ट बी कपल्ड, ठीक है, दैट मस्ट बी कपल्ड विद मेंस रिया फॉर वन टू हेल्ड क्रिमिनली लाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द की फैक्टर विच मस्ट कनेक्ट द एक्टस रिया एंड मेंस रिया, ऐसा कौन सा की फैक्टर है जो कि एक्टस रिया और मेंस रिया को एक साथ जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और वो क्या है, वो है टाइम, मतलब एट द सेम टाइम, एंड द आंसर इज टाइम, ठीक है, टाइम है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, मतलब ये देखो मेंस रिया, ये चीज सुनो, मेंस रिया लैटिन टर्म है गिल्टी माइंड की, रेफर्स टू द लीगल रिक्वायरमेंट दैट अ डिफेंडेंट मस्ट हैव अ कल्पेबल स्टेट ऑफ माइंड बिफोर शी कैन बी फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम, देयर मस्ट बी अ कॉन्करेंस बिटवीन द स्टेट ऑफ माइंड एंड द एक्टस रिया। अब इस चीज को ध्यान से सुनना, दैट इज दे मस्ट अकर एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे दोनों की अकरेंस हुई होनी चाहिए, दैट कनेक्ट्स व्हाट योर एक्टस रिया एज वेल एज मेंस रिया, सो इट इज द टाइम दैट इज द अकरेंस, ठीक है, एट द सेम टाइम विच कनेक्ट्स योर एक्टस रिया एंड मेंस रिया। कैन देयर बी अ क्राइम विदाउट एक्टस रिया, क्या बिना एक्शन किए क्या क्राइम हो सकता है? यस, मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले किसके बारे में, कमीशन और ओमिशन के बारे में, ठीक है, कमीशन एंड ओमिशन। तो कई बार होता है कि आपका ओमिट कर जाते हो, जो आपको करनी चाहिए थी ड्यूटी परफॉर्म वो आप नहीं करते, वही नर्स वाली एग्जाम्पल, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देन ऑल्सो यू कैन बी हेल्ड लाइबल, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम अ डिफेंडेंट मस्ट हैव कमिटेड एन एक्टस रिया और क्रिमिनल एक्ट, अंडर सम सर्कमस्टांसेस अ डिफेंडेंट कैन बी कन्विक्टेड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम फॉर फेलिंग टू एक्ट एज वेल एज एन ओमिशन, आइदर वे द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ डिफाइंस क्राइम्स इन टर्म्स ऑफ एक्ट्स, मतलब अगर ओमिट भी कर दिया है देन ऑल्सो दैट पर्सन विल बी हेल्ड लाइबल एंड पुट बिहाइंड द बार्स, क्लियर, दिस इज व्हाट योर टॉपिक इज ऑल अबाउट मेंस रिया। सो यहाँ पे अब आपका देखो पहली वाली वीडियो में एक्टस रिया का कंसेप्ट क्लियर हो गया, इस वाली में आपका मेंस रिया का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आपको अगर सबको मेरा लेक्चर अगर पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद योर अदर बैचमेट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।